कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देश ने तबाही का मंजर देखा है। हालांकि अब कोरोना की दूसरी लहर शांत होती नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर के आने की आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से 21 जून से वैक्सीनेशन की महामुहिम को शुरू करवाया गया था, जिसके चलते वडोदरा शहर में भी 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो, इसलिए महानगर पालिका की कचहरी पर मेयर की अध्यक्षता में सभी सेवाकीय संगठन और विभिन्न तबके के लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई थी और इसके साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी करवाया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित न रहे। वैसे इसी के चलते आज रावपुरा संस्था वसाहट पर दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और अखिल बड़ोदे मराठी संगठन साथ ही लायंस क्लब ऑफ बड़ोदा ने मिलकर महावैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया था। हालांकि इस वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने जुड़कर वैक्सीनेशन का लाभ लेकर इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और साथ ही सभी ने वैक्सीनेशन के वक्त कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइन का पालन भी किया। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में अकोटा की विधायक सीमाबेन मोहिले, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, म्युनिसिपल काउंसिलर हरीशभाई जिनगर, जेलमबेन चौकसी और दीपक भाई पालकर की उपस्थिति रही। अखिल बड़ोदे मराठी संगठन एना जे प्रेसिडेंट है निलेशभाई मोहिते अने साथे साथे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ना सहकार भारती तरफ थी जे आयोजन करवामां आव्युं छे अने लायन्स क्लब ऑफ बड़ोदा एना तरफ थी पण घणा बधानुं आज वैक्सीनेशन मेगा वैक्सीनेशन कैम्प संस्था वसाद खाते लेवाना आवे छे। वोटे दादाना सहयोग थी बधा ज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ना जेटला पण सदस्य छे ए पण अहींया वैक्सीनेशन लेवा माटे आवे छे। विस्तार में रहता घणा बधा लोकोने वैक्सीनेशन नो अवेरनेस अने बीजी जग्या ना जता एक ज जग्या उपर वैक्सीनेशन मळे एनी चिंता आ संस्थाओए करी छे, त्यारे हुं एमने अभिनंदन आपुं छुं। अने साथे साथे घणा बधा लोको आज आप जोई रह्या छो वैक्सीनेशन नो लाभ लेवा माटे अहींया आव्या छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।